सीमेंट फैक्ट्री चालू करने से लेकर बेरोजगारों की नौकरी तक की मांग के लिए बीजेपी के राज्यसभा सांसद किरोड़ीलाल मीणा कूच करते हुए जयपुर पहुंचे हैं और यहां पर विधानसभा नहीं पहुंच पाए तो सड़क पर ही बैठे हैं हमारे साथ। किन मांगों को लेकर आप यहां से निकले हैं और कहां तक, कहां से आए, कहां जा रहे थे? हम सवाई माधोपुर से चल के आए एक रेल भर के, और एशिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री की स्थापना 1948 में सवाई माधोपुर में हुई थी, जो 40 साल चलने के बाद में 1987 में बंद हो गई, जिसका दो साल तक तो चुप नहीं रह सकते क्या? लगातार दो साल तक आंदोलन चला था और उस आंदोलन के दबाव में सरकार ने ये प्लांट चलाया था और वो प्लांट दिया था जीडीसीएल के मालिक कमल मरारका को। सारी लाइबिलिटीज खत्म कर दी थी, करीबन 56 करोड़ की लाइबिलिटीज, जिसमें 12 करोड़ मजदूरों के थे, वो भी खत्म करके उनको चलाने की जिम्मेदारी दी थी। लेकिन 1992 से अब तक वो प्लांट उन्होंने चलाया नहीं। और अब मैं पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में मंत्री था, तब मैंने इनको 1154 क्वार्टर जो जिनमें रहते थे वो क्वार्टर इनको आवंटित किए थे, उनको भी उन्होंने कोर्ट में जाके लटका दिया और उनको खाली कराने पे आमद आए। 40-45 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी को खुर्द मुर्द करने पर कमल मुरार का आमदा है, सरकार को कोई होश नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि कमल मुरार का की मनसा साफ नहीं है, वो सीमेंट फैक्ट्री चलाना नहीं चाहते, लिहाजा दूसरा प्रमोटर BIFR में। सरकार क्या करे, आपकी भी सरकार बीजेपी की रही है, कांग्रेस की भी रही है, केंद्र में भी आपकी सरकार, इसमें सरकार क्या करे? सरकार ये करे, हमारी सरकार जब थी तब तक फैसला सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया था। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया तो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इनकी नियत साफ नहीं है कमल मुरारका की, इसलिए दूसरा प्रमोटर राजस्थान सरकार BIFR में पेश करे, उद्योग विभाग राजस्थान सरकार का। तो दूसरा प्रमोटर मीन्स कोई दूसरा उद्योगपति जो सीमेंट प्लांट चलाने में एक्सपर्ट है वो पेश करे, जिससे सीमेंट प्लांट चल सके। इस मौके पर फैसला आया है, इसलिए हम राजस्थान सरकार से मांग करने के लिए आए कि इस प्लांट को चलवाया जाए किसी दूसरे प्रमोटर के जरिए और इनकी जो 56 करोड़ का बकाया भुगतान है वो कराया जाए और क्वार्टर इनको पट्टे दिए जाए। तो मांग आप ऐसे क्यों करते हैं कि सड़क पर बैठ जाते हैं? नहीं, मैं सड़क पर तो पुलिस ने बैठाया है, हम तो विधानसभा पर प्रदर्शन करना चाहते थे, लेकिन ये विधानसभा ले चलने यहाँ ला के बैठा दिया, इसलिए हम बैठे हुए यहाँ। दूसरी मांग यहाँ देख रहा हूँ, सब बैकलॉग लेकर पोस्टर बैनर लेकर। दूसरा बेरोजगारों की मांग है, आपको पता है अपने रीट और फर्स्ट ग्रेड के टीचर्स का आंदोलन हुआ था तो सरकार ने आश्वासन दिया था कि 31,000 नई वैकेंसी निकालेंगे और 3,000 स्कूल लेक्चरर्स की निकालेंगे। यही तो अशोक गहलोत कर रहे हैं कि इतनी नौकरियां दे रहे हैं कि आज 20 साल तक किसी सरकार ने नहीं दी है। तो उन्होंने आश्वासन दिया है और सितंबर में सिलेक्शन होना है तो उनको आश्वासन पूरा करना चाहिए, यह कहने के लिए आए। एक 2013 में LDC की परीक्षा हुई थी तो उस समय 1244 पोस्ट ST/SC की रह गई थी, 2018 में सिलेक्शन दोबारा होने जा रहा है तो बैकलॉग भरा जाए, इन मांगों को लेके हम आए हैं। बैकलॉग भर नहीं रहे, बैकलॉग को सामान्य से देने के लिए जा रहे हैं, जो अन्यायपूर्ण कार्रवाई है इनको लेके हम आए। विशेषकर सीमेंट प्लांट चलना चाहिए जिसमें कम से कम परोक्ष और अपरोक्ष 1,00,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। किरोड़ी जी, कांग्रेस जो है आपके सेंटर के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ यहाँ पर धरने पर बैठे कलेक्ट्री पर मुख्यमंत्री भी और उप मुख्यमंत्री भी की आरक्षण खत्म करना चाहते हैं SC/ST के। ये गुमराह करने वाली बात है, आरक्षण खत्म करना होता तो 10 अप्रैल 10 जनवरी को कर देते। हमने 10 साल के लिए बनाया है, आरक्षण बढ़ाया है, मैं भी 17 मिनट संसद में बोला हूँ। और सरकार की कोई ऐसी मंशा होती, क्योंकि गुमराह करने वाली बात है, अब इनका वोट बैंक पूरी तरह से कांग्रेस का खिसक गया है, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं शाहीन बाग और आरक्षण जैसे मुद्दों पर, ये चलने वाला नहीं है। जब अगले 10 साल के लिए आरक्षण बढ़ा दिया तो खत्म करने का कहीं सवाल ही नहीं है, बेवकूफ बनाने वाली बात है। बीजेपी के सांसद किरोड़ीलाल मीणा चाहते हैं सीमेंट फैक्ट्री चालू कराना, लेकिन यहाँ पर सड़क पर बैठे हैं और सड़क पर चाहते हैं फैसला हो पाएगा या नहीं, लेकिन साथ में इनके बहुत सारे बेरोजगार भी यहाँ पर आए हुए हैं जो चाह रहे हैं कि जो नौकरियाँ नहीं मिली हैं
पिछले सालों में वो मिले। साथ ही कह रहे हैं कि आरक्षण के मुद्दे पर, क्योंकि ये भी बड़े जनजातीय नेता हैं, इनका कहना है कि आरक्षण के मुद्दे पर कांग्रेस गुमराह कर रही है। कैमरा शर्मा के साथ शरद कुमार, जयपुर।